स्टैंड्स हमने पढ़ा था चैप्टर 4 कीपिंग क्लीन, है ना, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है एक्टिविटी भी कर लिया था, फिर ये टिक द करेक्ट बॉक्स भी कर लिया था। आज करेंगे ट्रू और फॉल्स। क्या करेंगे? ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है? सही। फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत। तो जो सही है उसमें सही का निशान लगाएंगे ट्रू का यहाँ पर, और जो फॉल्स बोल रहा है उसमें फॉल्स का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ईट इज गुड टू टेक अ बाथ एवरी डे। इट इज गुड टू टेक अ बाथ एवरी डे मतलब क्या बोल रहा है ये? रोज नहाना, है ना, रोज नहाना हमारे लिए अच्छा है। तो अच्छा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू। ट्रू मतलब होता है सही, ठीक है। टू नंबर, वी शुड नॉट वियर क्लीन क्लॉथिस। क्लीन मतलब साफ, क्लीन मतलब साफ। तो ये बोल रहा है कि वी शुड नॉट वियर क्लीन क्लॉथिस, हमें साफ कपड़े पहनना नहीं चाहिए। तो ये गलत बोल रहा है ना, हमें साफ कपड़े पहनना चाहिए। तो ये आ जाएगा फॉल्स, एफ ए एल एस ई, फॉल्स। थ्री नंबर, वी शुड नॉट वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टू द टॉयलेट। जब हम टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट से आने के बाद हमें जो है अपना हाथ नहीं धोना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं नहीं धोना चाहिए, तो ये फॉल्स बोल रहे हैं ना, जबकि हमें टॉयलेट से आने के बाद तुरंत हैंड वॉश करना चाहिए, और इसमें बोला है नहीं करना चाहिए, तो इसमें हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। अब देखिए फोन नंबर, वी शुड यूज अ हैंकर चीप टू क्लीन आवर नोज। हमें अपने नोज़ को साफ रखने के लिए हैंकर चीप का यूज़ करना चाहिए, रुमाल के जैसा जो आता है उसका। तो ये हो जाएगा ट्रू। देखो, इट इज़ गुड टू टेक अ बाथ एवरी डे, रोज नहाना हमारे लिए अच्छा है, तो क्या लिख दोगे? ट्रू, सही। वी शुड नॉट वियर क्लीन क्लॉथिस, हमें साफ कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो ये आएगा फॉल्स। वी शुड नॉट वॉश अवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट से आने के बाद हमें हैंड वॉश नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो इसमें लिखोगे फॉल्स। वी शुड यूज़ अ हैंकर चिप टू क्लीन अवर नोज, हमें अपने नोज क्लीन करना चाहिए, करने के लिए हैंकर चिप यूज़ करना चाहिए, तो क्या लिख दोगे? ट्रू। तो ये ट्रू और फॉल्स आप लोग अच्छे से जो मैंने पढ़ाया उसको कम से कम 2-3 बार देखेंगे और समझेंगे और इसको भर लेंगे, ठीक है। फिर एक्टिविटीज़ बाकी का हम कल करेंगे।